रतन पाटिल को जानते हैं क्या? वो मुंबई की सड़कों में, ट्रेनों में, एक्चुअली मुंबई में कहीं भी मिल सकता है। कभी कोई एक हाथ में ढोलकी और एक हाथ में लाठी लिए दिखे तो समझ जाना चेतन पाटिल दिख गया। जहां हम और आप रोज सुबह बिस्तर से नहीं उठ पाते, वहां वो हर रोज सुबह सुबह बदलापुर से मुंबई तक आता है। तो आप रोज बदलापुर से यहाँ आते हैं मुंबई? रोज रोज। बाप रे, कितने सालों से कर रहे हैं? वही 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से आप रोज बदलापुर से यहाँ? जी। और 53 किलोमीटर की ये दूरी तय करके वापस घर जाता है रोज, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए। मैं 9 बजे से 3 बजे तक रहता। 9 बजे से 3 बजे तक? हाँ, क्योंकि घर में बच्चे वगैरह सब, उनका पढ़ाई है वगैरह नॉर्मल, मतलब बच्चे छोटे हैं इसके लिए। कितने छोटे हैं? 2.5-3 साल। 2 बच्चे? हाँ। चेतन गरीब है पर खुददार भी है। शायद हम जितना खुश नहीं पर लाचार नहीं है। वो अपने अंधेपन को नहीं बेचता, किसी से दया नहीं मांगता। दिन में कितना मिल जाता है बजाते हैं? मैं कुछ, हम इस पे ये इसको बिजनेस के लाइन पे समझते हैं। जैसा बिजनेस होता है, चढ़ाव उतार होता है, ऐसा होता है, मतलब 300-400 में हो जाता है। उसकी रोटी उसके हुनर से है और ये हुनर उसने खुद बनाया है, खुद सीखा है। सुनते सुनते कोई भी चीज़ साइड में पड़ी हो तो वो उठा के बजाना समझ गया। फिर प्रॉपर सुर में कौन सा डिब्बा है वो चेक करके वो बजाना शुरू किया। जैसे मतलब ऐसा इसमें मैचिंग कौन सा सुर आता है। इंस्पिरेशन स्टोरीज तो बहुत सुनी होंगी आपने, बड़े बड़े कलाकारों की जिनकी स्टोरीज फेमस हो गई। चेतन फिलहाल एक बड़ा कलाकार नहीं है पर इंस्पिरेशन है बॉस। मैं 2007 में ये 800 रुपए में ढोलक लिया था। यही वाला ढोलक? यही। अच्छा, अभी तक चल रहा है? अभी तक चल रहा है। और तभी से ये प्रोग्रेस है कि अभी अजय अतुल के साथ बजाया था महीना में, बाद में गए साल सचिन जिगर के साथ एक शोज किया था स्टार प्लस पे, ये रात जिंदगी जो शो आता था उसका ओपनिंग सेरेमनी हमारा ग्रुप ने किया। अभी कितने इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं आप? मैं एट ए टाइम कंपलसरी 4 इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ एक साथ। एक साथ मतलब जिसका पीस, अभी ढोलकी का पीस खत्म हो गया ढोलक पे, ढोलक का पीस खत्म हो गया तबला पे, तबला का खत्म हो गया कोंगो पे। एक एक आदमी चार लोगों का काम अकेला करता है, इसके लिए डिमांड आता है। अब या तो आप इस कहानी को भी देख के भूल सकते हैं या इंस्पायर हो सकते हैं या चेतन को एक मौका दे सकते हैं एक बड़ा कलाकार बनने का। क्या आप चेतन पाटिल को जानना चाहेंगे?